नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो बताओ। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, चलो रिवीजन। चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या था, चलो मुझे बताओ। यस, टपका का डर। टपका कौन था? अरे भाई, टपका पानी की बूंद थी। नहीं, बर्फ के गिरने, बारिश से साथ गिरने वाले बर्फ का टुकड़ा, उसे ओला कहते थे, वो टपका का डर था। ओके, टपका का डर में दो कहानी को आपस में मिलाकर, कहानी तो नहीं कह सकते, दो पार्ट में आपस के मिलाकर एक कहानी का हमने पढ़ना था, एक कहानी का भाग बनता था। पहले एक गरीब बुढ़िया स्त्री जो जंगल में झोपड़ी बना कर रहती थी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, झोपड़ी किन किन चीज़ों से बनती है, हमारा घर किन किन चीज़ों से बनता है। फिर बारिश आती है, तो बारिश उसमें से क्या क्वेश्चन निकलेगा, बारिश आने पर क्या क्या होता है। बुढ़िया जंगल में रहती थी, उसका घर बारिश के कारण उसकी छत टूट गई थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास छत रिपेयरिंग के पैसे नहीं थे, तो बाघ जंगल में बाघ भी रहता है, वो बारिश के कारण बुढ़िया के झोपड़ी के पास बारिश से बचने के लिए खड़ा रहता है। तब भी अंदर से जो बुढ़िया बोलती है वह उसे सुनाई देता है। बुढ़िया झुंझला उठती है, यानी कि अपने आप क्रोधित होकर बोलती है कि मुझे बाघ से नहीं डर लगता है, मुझे तो टपके से डर लगता है। टपका यानी कि उसकी छत टूटी हुई थी, उसमें से जो पानी गिर रहा था उसे कहते हैं टपका, उसे टपका से डर लगता था। तो बाघ ने क्या सोच लिया अपने आप से कि अरे भाई, ये टपका, ये बुढ़िया है, वो बाघ यानी कि मुझसे नहीं डरती है, तो किससे डरती है, टपके से डरती है, तो ये टपका क्या होगा, मुझसे कोई बड़ा जानवर होगा। तो बाघ दौड़ने लगता है, उसमें एक मुहावरा बनता है, बाघ सिर पर पैर रखकर भागता है, लेकिन कोई सिर पर अपने पैर रखकर नहीं भाग सकता, और सिर पर पैर होते ही नहीं है। तो बाघ तेज गति से दौड़ने लगता है कि ये टपका कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यानी कि इस पार्ट से हमें जो सीखने के मिलता है वह है कि हमें कोई भी बात का बिना सोचे अर्थ नहीं निकालना चाहिए। तो चले, वेलकम बैक टू रिवीजन। चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है वो है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो मैंने यहाँ पर मूर्त लिखा है, मेरे गांव में मिट्टी के, यानी कि जो एरिया लो है, यानी कि पीछे मुड़ वाला है, जैसे कि स्टेशन के पास हमारे धोराजी एरिया, मिट्टी के, सीमेंट के जो हम रहते हैं, और झोपड़ी जैसे घर है। मिट्टी के भी है, सीमेंट के भी है, और झोपड़ी जैसे घर है। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है। इसका उत्तर मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ का सबका मिक्स कर दिया है, तो आपका घर जिस चीज से बना है वो ही लिखना। ओके, मेरा घर मिट्टी से, यदि मिट्टी हो तो ही, पत्थर से यानी कि जिसे हम ईट और बेला ऐसा कहते हैं, खपरेल से यानी कि खपरेल यानी ऊपर छज्जा जो होता है वो नरिये वाला होता है, तो ही, सीमेंट से जो कि हमारा घर बना है, लकड़ी, लोहा और रेत आदि चीजों से बना है। मैं यह कह सकते हूँ कि मेरा घर सीमेंट, रेत, कोकरेट, लोहा और लकड़ी से बना है। लोहा है वह छत में डाला जाता है, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट मिक्स करके डाला जाता है, लकड़ी से बारी आदि बनती है। तो आपका घर जिन जिन चीजों से बनता है वही लिखिए। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, छप्पर किन किन चीजों से बनता है। छप्पर यानी छत, टेरेस, छप्पर। यहाँ पर मैंने सब का ले लिया है, गरीब का भी और साहूकार का भी। आपका छत, आपके घर का छप्पर किन किन चीजों से बना होता है वो आप लिख सकते हैं। छप्पर घास फूस, यानी कि हमारी किताब में जो बात की गई थी बुढ़िया की, उसकी घास फूस, खपरे, रेत, सीमेंट, कंक्रीट और लकड़ी से बना है।
आप लोहा भी लिख सकते हैं। उसके बाद का है बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, चलो बताओ। सचमुच का बरसात आता है भीग जाते हैं तब ठंड लगती है। तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, बारिश गिरती है और क्या होता है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। उसके बाद का क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं बोलकर समझा दूंगी। बारिश के मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। हमें दो सेंटेंस कंप्लीट याद रखनी है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और बरसात होती है। उसके बाद का क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल के आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ओले पड़ने पर तुम क्या करोगे। ओले मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ आपको पता है तो ही उत्तर दे सकते हो। ओले पड़ने पर, ओले मीन्स बरसात के साथ गिरने वाले बर्फ के टुकड़े। ओले पड़ने पर कच्ची घरों की छत टूट जाती है, जैसे कि घास फूस से बनी हुई होती है वो, और पाक यानी कि जो किसान उगाता है उस पाक को नुकसान होता है। कहीं सारी चीज़ें टूट जाती है, जैसे कि हमारी गाड़ी बाहर है तो आप अपने आप से लिख सकते हो। उसके बाद का है क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं। तो मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने, आपने जो देखा है वो आप लिख सकते हो। मैंने मिट्टी का चूल्हा देखा है, लोहे का चूल्हा देखा है और गैस का चूल्हा देखा है। प्रश्न नंबर है 8, जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं। आपको जो जो पता है वो लिख सकते हो। जंगल में बाघ के अलावा मोर रहता है, खरगोश रहता है, शेर रहता है, शेर कैसे कहते हैं, शेर रहता है, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुटिया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी। चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। बुढ़िया क्यों झुंझला रही थी, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। क्वेश्चन नंबर 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा। बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती और मगर टपका से डरती। बुढ़िया सिर पैर रख बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा। बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती हूँ, टपके से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भागा। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जंगल में और क्या क्या बिग रहा होगा सोचकर बताओ। जंगल में पेड़, पौधे, प्राणी, पशु पक्षी, पत्थर आदि बिग रहे होंगे। जंगल में पेड़, पौधे, पत्थर, पशु पक्षी आदि बिग रहे होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आपने मोर तो देखा ही होगा, कौन कौन सी जगह आपने मोर देखा है बताओ। यस, आप गाड़ी में घूमने जाते हो तब खेतों में मोर होता है, प्राणी संग्रहालय में मोर होता है, आप जंगल में भी मोर देखा है, वेरी गुड। तो मोर को आप देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो। तो चलो, पक्षियों में मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने आप से भी लिख सकते हो। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर प्राणी है, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर प्राणी है। इसके सिर पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर टेहू टेहू सा बोलते हैं, बादल देखकर मोर नाचते हैं, मोर पेड़ पर रहते हैं और मोर हमारा राष्ट्रीय प्राणी भी है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए। सभी पक्षियों में मोर सबसे सुंदर प्राणी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बरसात के मौसम में बादलों को रोककर
नाचता है। मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसके सिर पर एक सुंदर कलगी होती है। इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। हो गया ना यहाँ पर मोर का निबंध हमारा कंप्लीट। उसके बाद के प्रश्न नंबर 3, बाघ के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आपने बाघ देखा ही होगा। आपने बाघ कहाँ कहाँ देखा है चलो बताओ। यस, जंगल में। वेरी गुड, देखा है। यस, वहाँ पर जैसे कि सफारी में, हमारे यहाँ गिर शासन गिर में भी हमें बस में लिया जाता है। शेर ओपन होते हैं। राजकोट में भी जू है, वहाँ पर शेर ओपन होता है, यानी कि खुले में होता है। और आपने प्राणी संग्रहालय में भी देखा है। वेरी गुड। तो बाघ एक जंगली जानवर होता है। वह हिंसक और भयानक है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है, यानी कि पीली और काले रंग के पट्टे होते हैं। वह अंधेरे में भी देख सकता है। यह बात आप पॉइंट नोटेड कीजिएगा। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। मोर के जैसे ही बाघ को हमने चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में भी जानना है। प्रश्न नंबर 3, बाघ के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। एक बार तो मैंने बोला, दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। बाघ पीले गहरे पीले रंग का होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ अंधेरे में भी देख सकता है। आप और भी बाघ को आप शेर की तरह खूंखार प्राणी है। हो गई ना हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।